हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा और मैं आपको यहाँ पे अपना स्टेटस चेक करके दिखाऊंगा। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने का लास्ट डेट 30 जून 2023 तक था। तो अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपका जो पैन कार्ड है आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपना क्रोम ऐप्स ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है incometax.gov.in। हमें जो पहला लिंक शो हो रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हमें इस पर क्लिक कर देना है और हमें यहाँ से नीचे आ जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्विक लिंक्स में हमें जो यहाँ पे सेकंड नंबर में ऑप्शन शो हो रहा है लिंक आधार स्टेटस, हमें इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जिस भी पैन कार्ड का आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं आपको उस पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद आप जिसका पैन कार्ड यहाँ पर इंटर करेंगे उसी का आधार नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर और अपना पैन कार्ड नंबर इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद हमें व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, अगर आपका आधार कार्ड से अगर पैन कार्ड लिंक होगा तो आपको इसी तरीके का मैसेज शो करेगा, ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा आधार नंबर है वो शो कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक होगा तो आप आगे भी अपने पैन कार्ड को यूज कर पाएंगे, आपका पैन कार्ड बंद नहीं हुआ, आपका पैन कार्ड इनएक्टिव नहीं हुआ है। जिनका भी आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है 30 जून के बाद 1 जुलाई से उनका जो पैन कार्ड है इनएक्टिव हो जाएगा। 1 जुलाई से जिनका भी आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है उनका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। अगर आप भी अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।